हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्लीज़ पार्डन माय वॉइस क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार है। आज मैंने इस रक्षाबंधन स्पेशल लुक को क्रिएट किया है, तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहले मैंने गुड वाइब्स का रोज फ्लो टोनर इस्तेमाल किया है, उसे मैं स्किन पर पुश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया है निविया के लिप बाम से। ये एक डे टाइम लुक है, इसीलिए मैंने न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन इस्तेमाल किया है और सनस्क्रीन को मैं अपने फेस पर, नेक पर और अपने ईयर्स पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने प्राइमर इस्तेमाल किया है NYB का, और प्राइमर अप्लाई करने पर फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल पैची नहीं दिखता और फाउंडेशन एक नेचुरल लुक देता है, इसीलिए मैंने प्राइमर को अच्छे से अपने टी जोन पर अप्लाई किया है। ये एक टिंटेड प्राइमर है तो इसकी वजह से मुझे एक इवन टोन भी मिला है। मैंने मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है, मेरा शेड है वार्म न्यूड। इसे मैं डॉट्स में पहले अपने होल फेस और नेक पे अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद एक स्पंज की मदद से मैं इसे अच्छे से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नेचुरल लुक के लिए। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूंगी। ADS का ब्लैक आईब्रो पेंसिल मैंने लिया है और मैं अपने सेंटर ऑफ द आईब्रोज से स्टार्ट करूंगी, फिर मैं एंड्स को फिल इन करूंगी एंड उसके बाद मैं अपने फ्रंट सेक्शन को हल्के हाथों से फिल इन कर लूंगी। एक स्पूली की मदद से मैंने प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। उसके बाद मैंने मेबेलिन का फिट मी कंसीलर लिया है, मेरा शेड है सैंड, और उससे मैं अपने आईब्रोज के जो आर्च है वहाँ पर एक क्लीन लुक दूंगी। उसके साथ मैं उसे एज आई प्राइमर भी इस्तेमाल करूंगी और मैं अपने डार्क सर्कल्स को भी हाइड कर लूंगी। जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है या फिर आपको हाईलाइटिंग चाहिए, आप वहाँ पर कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिंगर की मदद से उसे ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे फुल पिगमेंटेशन चाहिए। उसके बाद मैंने कंसीलर को सेट करने के लिए मेबेलिन वाइट सुपर फ्रेश पाउडर का इस्तेमाल किया है। काफ़ी अच्छा पाउडर है और इस तरीके से आप अगर इस्तेमाल करें तो जो क्रीज लाइन है, जो लाफ लाइन है, वहाँ पर क्रीज नहीं करेगा आपका फाउंडेशन। नेक्स्ट मैंने ADS का आई शेडो पैलेट इस्तेमाल किया है, एक गोल्डन शेड लिया है, मैंने अपने होल आईलिड पर अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने रेड शेड को सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पर इस्तेमाल किया है। ये एक बहुत ही सिंपल आई लुक है, मैंने कोई अच्छा ट्रांजिशन या फिर कुछ ग्रेडिएशन क्रिएट नहीं किया है, बस मैंने आउटर कॉर्नर और अपने लोअर लैश लाइन पर इस रेड कलर को अप्लाई किया है और फिंगर की मदद से अपने इनर कॉर्नर्स पर मैंने इस गोल्डन शेड को अप्लाई किया है और इसी गोल्डन शेड को मैं थोड़ा सा सेंटर ऑफ द लिड पर लेकर जाऊंगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल आई लुक है जो कोई भी इजीली कर सकता है, बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट है। अपने इनर कॉर्नर्स पर भी मैंने इसी सेम गोल्डन शेड को अप्लाई किया है। फिर मैंने लैक्मे का इंस्टा लाइनर इन द शेड ब्लैक लिया है और उससे मैं एक सिंपल सा एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। आप चाहे तो सिंपल इसी तरीके से कोई भी दूसरा आईलाइनर लुक भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेबेलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा मैंने लिया है और मैं कोई फॉल्सीज अप्लाई नहीं करूंगी। फिर मैंने NYB का द बिग एप्पल ऑफ माय आई काजल को लिया है और उसे मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पर ही अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा इससे टच अच्छा मिलता है। फिर मैंने बॉन्जोर पेरिस का आई पेंसिल इन द शेड ब्राउन लिया है और उससे मैं अपने नोज को सिर्फ कॉन्टूर करूंगी और फिर मैं येलो कलर्स के आई शेडो पैलेट में से हाईलाइटिंग शेड लेकर अपने नोज, ब्रिज ऑफ द नोज और अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर लूंगी। उतना ज़्यादा मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल लुक क्रिएट नहीं किया है, बस नेचुरल लुक क्रिएट किया है क्योंकि एक डे टाइम रक्षाबंधन लुक है। और फिर मैंने ADS का ब्लश अप्लाई किया है चीक्स पर और ब्लश को थोड़ा सा चिजल्ड लुक देने के लिए मैंने बस कॉम्पैक्ट को इस तरीके से अप्लाई किया है, इससे कॉन्टूरिंग का भी इफेक्ट मिल जाता है। NYB का लिपस्टिक इन द शेड पिंक मैंने इनिशियली अप्लाई किया था, तो आप चाहे तो पिंक लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो रेड लिपस्टिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने रेड लिपस्टिक अप्लाई किया तो आप दोनों लुक ही देख सकते हैं कितना अच्छा टर्नआउट हुआ है। आप एक ग्लैम लुक चाहते हैं तो रेड अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, होप यू गाइज एंजॉयड दिस लुक।